नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज 21 चैनल पर, जहां हर खबर है फटाफट और मजेदार। अगर आप चाहते हैं कि हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। यहां आपको मिलेगी ताजा खबरें और धमाकेदार इंटरव्यूज और ढेर सारा मनोरंजन। तो देर किस बात की है, न्यूज 21 के साथ जुड़े और बने रहें सबसे आगे। खबर सीहोर जिले की आष्टा जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत बिलपान से है, जहां ग्रामवासी नल जल योजना के काम से परेशान हैं। नल जल योजना भ्रष्टों की भेंट चढ़ चुकी है। मीडिया कर्मी ने जब पीएचई विभाग के अधिकारी और ठेकेदार से 3 साल पहले खोदे गए रास्ते को लेकर पूछा, तो पीएचई विभाग के आला अधिकारी का कोई जवाब नहीं दे पाए। बस बोलते रहते हैं कि इसका मतलब गड़बड़ घोटाला जरूर है। ग्रामीणों को झूठा आश्वासन दिया जाता है, 2 से 3 दिन में काम लगा देंगे, लेकिन आज तक जैसी की तैसी ही सड़क बनी हुई है। काम में लापरवाही बढ़ती जा रही है, जिसके बाद इंजीनियर प्रभात पवार से भी बात की गई। इंजीनियर ने 15 दिन में रोड को कंप्लीट करवाने का आश्वासन दिया, लेकिन उन्होंने भी झूठ बोला, जिसको लेकर कई बार शिकायत भी की गई। जब सरपंच सजन सिंह दंगोलिया से बात की गई, तो सरपंच ने बताया कि इस गांव का मैं मुखिया हूं, मेरा मन करे तो काम करने दूं या नहीं करने दूं, आप कौन होते हो हमसे पूछने वाले। जब इसकी शिकायत ग्रामीणों ने सीएम हेल्पलाइन 181 पर की, तो कलेक्टर ने ठेकेदार को बुलाकर जमकर फटकार भी लगाई, लेकिन उन पर कोई असर नहीं दिखाई दे रहा। आखिर प्रशासन मौन क्यों है? देखिए आष्टा से संवाददाता कुमेर सिंह आवले की ये विशेष रिपोर्ट। मैं आपका ये आपके गांव में नाली कब से खोदी पड़ी है? 5 साल हुआ। हाँ। तो आपने इसके बारे में कहीं सरपंच को बताया था कि हमारे गांव में ये नाली खोदी है? अच्छा, अच्छा ये आपके गांव में नाली कब से खोदी है? दादा 4-5 साल हो गए यार, 2-4 बार तो मैंने साफ करी, कोई साफ नहीं करे, सब पैसा अधिकारी ने खरीदा ना भैया, कोई कहीं देखभाल ही नहीं करी रहा कहीं। यह पूरी स्थिति है कि बेंच में कीचड़ में हम खड़े ही रहा है, यो है वो है, कोई सुना ही नहीं है। तो इसकी कोई आपने कहीं आगे शिकायत की थी? शिकायत कोई नहीं सुन रहा सर, कहाँ सुने, कोई कौन सुनी दिया? 2-3 बार कर दी। अच्छा, कोई ध्यान दे रहे इन चीज पे? यह नाली पूरी बुरेगी, यहाँ से वहां तक कोई देखभाल ही नहीं। अच्छा,